सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का इंडिया टाइम्स आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज में जा विजय लक्ष युवा सम्मेलन में शामिल हुई प्रयागराज के भाजपा प्रत्याशी रीता बोगड़ा जोशी। लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद रीता बोगड़ा जोशी अपने कफीले के साथ बेदोली गांव के भोलानाथ तिवारी के यहाँ एक का दस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मेजर रोड मानस वाटिका में नित्यानंद उपाध्याय के यहाँ एक स्वागत समारोह में शामिल हुए। बाद उसके श्यामकली इंटर कॉलेज मेजर रोड में विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन में शामिल होकर सभा को संबोधित कर विपक्ष पर किए गए कड़े पार, भाजपा की नीतियों व मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने और दोबारा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा के बाद मैं पहली बार आई हूँ। देखिए, जमुना पार तो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि है, माता पिता की कर्मभूमि है। मेजर को मैंने जो मेजर सहित पूरे लोकसभा को, पूरे जिले को, पूरे प्रदेश में हमारा एक ही संदेश है कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, आतंकवाद से जूझे हैं, अर्थव्यवस्था को ढर्रे पे उलाने का प्रयास किया है, उनको निश्चित रूप से पूरे देश को दोबारा प्रधानमंत्री के पद पर लाना चाहिए और हम लोगों के इस राष्ट्र के हित के लिए, सुरक्षा के लिए, इसके विकास के लिए आवश्यक है कि मोदी जी फिर एक बार फिर प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हम लोगों को जो रुझान दिख रहा है ये स्पष्ट है कि 300 से ज़्यादा सीटें एक बार केवल भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में आएंगी और उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयास रहेगा कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। मैम, आप नयुवा के बीच बहुत रखी हैं, आज दिन आपकी छवि बनी है नयुवा के बीच में मेजा में। मैम, आप नयुवा क्या कहेंगे? मेरे साथ में हैं, बेहतर बेहतर से लगेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आज आप लोगों को भीड़ को देख के लग रहा होगा कि नौजवान साथ में नहीं है। आज और जोश भरेंगे, आज से और नई टीम तैयार करके और बूथ तक जाएंगे और बूथ में जा कर ही देंगे। आप इन्हें क्या कहना चाहते हैं? युवा को नवयुवकों के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं आप? बताई देंगे अपने भविष्य के लिए। कहाँ तक आगे बढ़े? साई साई बोलते रह, क्या बिगड़े क्या बिगड़े। युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। देश को आजाद करने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज ने बड़ी कुर्बानियां दी है कि नहीं दी है? हमारे चौक का नीम का पेड़ सैकड़ों नौजवान आदिवासी का फंदा चुन के लटक गए थे भारत को आजाद करने के लिए। ये वही प्रदेश है खाते में जब डालना शुरू किया तो पता चला कि 8 करोड़ खाते तो है ही नहीं। 8 करोड़ ऐसे लोग जिनको पेंशन मिल रही है उनका खाता ही नहीं है। भैया, ढूंढो क्यों नहीं है? तो पता चला तो कभी फायदा हुआ ही नहीं, तो खाता कहां से आए? पैदा नहीं हुए, ब्याह नहीं हुआ, बड़े नहीं हुए, बूढ़े नहीं हुए, मरे नहीं, लेकिन पेंशन निकल रहा है। मालूम है कितना पैसा बचा है सरकार का? 1,10,000 करोड़ रुपया, 1,10,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन में बचाया है हमारे प्रधानमंत्री ने। और जितने लोग टैक्स की चोरी करते थे, आज जितने लोग 2014 में टैक्स देते थे उसके दुगने आज टैक्स दे रहे हैं। तो अब इस देश में पारदर्शी शासन किसने दिया? मोदी ने दिया। जनता के हक में किसने काम किया? मोदी ने किया। राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वत्र अपना दांव पे लगाने का किसने हिम्मत की? मोदी ने की। और अगर आज राष्ट्र का सम्मान विश्व में है और आज अगर ट्रंप जैसा बदमिजाज नेता भी मोदी के सामने नतमस्तक है तो इसलिए है क्योंकि वो हमारा नेता है। आज पूरा देश